शनिवार को डीसी ऊना राघव शर्मा ने 8 दिसंबर को महाराणा प्रताप कॉलेज अंब में होने वाली मतगणना की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि मतगणना ठीक 8 बजे शुरू कर दी जाएगी। सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को अपने अपने अकाउंटिंग एजेंट को इससे पूर्व ही अकाउंटिंग टेबल पर बैठाना होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी अनऑथोराइज्ड पर्सन को कॉलेज प्रांगण में घुसने की इजाजत नहीं रहेगी। कोई भी अकाउंटिंग एजेंट काउंटिंग हॉल में अपने साथ अपना मोबाइल या किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को नहीं ले जा सकेगा। राघव शर्मा ने बताया कि लोगों को रुझान और नतीजे सुनने के लिए विकासखंड कार्यालय व एसडीएम कार्यालय अम में स्पीकर लगाए जाएंगे। यहां पर लोग हर राउंड के बाद आने वाले रुझानों को सुन सकेंगे। डीसी ने कहा कि ईवीएम मशीनों को पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था में स्ट्रांग रूम में रखा गया है और 8 तारीख को इन्हें पूरी पुलिस प्रोटेक्शन के साथ काउंटिंग हॉल तक ले जाया जाएगा। डीसी ने इसके साथ साथ अधिकारियों को भी मतगणना को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। 8 तारीख को होने वाली मतगणना के लिए सभी तैयारियों का जायजा लिया गया। इसमें चिंतपूर्णी विधानसभा में डिग्री कॉलेज अम्ब में जो है काउंटिंग होनी है, गगरेट विधानसभा की गगरेट पॉलिटेक्निक में और ऊना हरोली और कुटलैड़ की ऊना डिग्री कॉलेज है। तो आज सभी मतदान केंद्रों पे जो तैयारियां हैं उनका जायजा लिया गया और पुलिस के साथ की सिक्योरिटी व्यवस्था उस दिन 3-tier कॉटन सिक्योरिटी रहेगी। मोबाइल फोन इत्यादि जो है वो अलाउ नहीं होंगे सिक्योरिटी कॉटन में और पूरी मुस्तैदी के साथ जो ईवीएम्स हैं उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए काउंटिंग की प्रक्रिया जो है वो सम्पन्न की जाएगी। सर काउंटिंग कितने बजे शुरू हो जाएगी? सुबह 8 बजे जो है वो मतगणना की जो है वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और सभी जो स्टाफ और काउंटिंग एजेंट्स हैं उनको जो है वो उसके पहले जो है वहाँ पे सीटेड होना होगा। उसके निर्देश लिखित में सभी को जारी कर दिए गए हैं। सर ये जो इनके समर्थक लोग आएंगे कैंडिडेट्स के उनको यहाँ से काउंटिंग हॉल से कितनी दूर रखा जाएगा? सर जो मेन काउंटिंग के प्रेमिस है हमारी उसका जो मेन गेट है सिर्फ उससे जिनके पास आईडी कार्ड्स हैं रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जारी किए गए ACI द्वारा जारी किए उनको अलाउ किया जाएगा। इसमें काउंटिंग एजेंट शामिल है। अन्य जो समर्थक हैं वो जो है इस प्रेमिस में नहीं आ पाएंगे ना इस प्रेमिस के आसपास रहेंगे। उनके लिए अलग जो है स्थान पर लाउड स्पीकर से एक व्यवस्था की जाएगी कि जो भी रिजल्ट हैं उसको बाहर तक लोग सुन सकें। थैंक यू सर। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए अंब से परीक्षित सेखड़ी की रिपोर्ट। कोयल मोटर्स विभिन्न पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करता है जिसके लिए अनुभवी व फ्रेशर्स सभी आवेदन कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए अभी 9418035372 पर कॉल करें या अपना बायोडाटा ईमेल करें hr@goyalmotors.com पर। कोयल मोटर्स विभिन्न पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करता है जिसके लिए अनुभवी व फ्रेशर्स सभी आवेदन कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए अभी 9418035372 पर कॉल करें या अपना बायोडाटा ईमेल करें hr@goyalmotors.com पर।